बसिया में अंचल प्रशासन इन दिनों माफियाओं पर पूरी तरह मेहरबान है। प्रखंड में इन दिनों कार्रवाई करने के लिए छापेमारी करने के नाम पर बालू पकड़ के नाम प्रखंड में इन दिनों कार्रवाई के लिए छापेमारी करने के नाम पर बालू पकड़कर आंख में धूल झोंका जा रहा है। ताजा मामला प्रखंड के सरोड़ा गांव का है, जहां शुक्रवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय सरोड़ा के समीप डंप पर रखे गए 100 ट्रैक्टर से भी अधिक बालू को अंचल प्रशासन ने जब्त कर सीज किया था, लेकिन मामले के लगभग 48 घंटे हो गए, अब तक इस पर कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। वहीं इस संबंध में अंचलाधिकारी रविंद्र पांडे से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मामला दर्ज करने के लिए थाने में आवेदन दिया गया था, लेकिन कुछ तकनीकी त्रुटि के कारण मामला दर्ज नहीं हो सका है। इधर समय बीतने के साथ ही माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि सीज किए गए बालू में से आधा से भी अधिक बालू गायब हो गए हैं। बसिया में जो भी हाल के दिनों में जो हम लोग अभियान चल रहा था कि अवैध बालू का जो ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है या उत्खनन है या उसका भंडारण है, उस पर कार्रवाई की जा रही है। तो एक अभी हाल में ही हम लोगों ने न्यूज़ सुना है कि जिसमें कि जहां पर एक जगह भंडारण किया गया है उसको सीज किया गया, उसके बावजूद वहां से फिर कुछ जो है उठाव की एक जो है एक न्यूज़ आई है, ये मामला आया है। हम लोग के स्तर से ये की जानी है और हम लोगों ने इस पर संज्ञान भी लेते हुए तुरंत वहाँ के CEO को बोला है कि आप इस पर विस्तृत अपना प्रतिवेदन बताइए कि किस आधार पर ये घटना घटी है और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। तो उन्होंने बोला कि सर अति शीघ्र इस पर अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए वो सूचित करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस पर अगर कोई भी प्रकार की कोई प्रशासनिक चूक या किसी के द्वारा किसी प्रकार की अगर हम कहते हैं कि गलत कोई कार्य किया गया है उसे दंडित किया जाएगा, लेकिन आश्वस्त रहे कि इस तरह की कार्रवाई जो अवैध उत्खनन संबंधित चीज चल रहा है उस पर लगातार जारी भी रहेगा और सभी जो जिन्होंने गलत किया है उन पर कार्रवाई होते रहेगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।